नेशनल हाईवे 53 पर दुर्ग जिले के सुपेला कोसनाला टोल प्लाजा करीब 5 साल पहले बंद हो चुका है, लेकिन इसका ढांचा आज भी यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए खड़ा है। दुर्ग से रायपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी इसी जगह पर झेलनी पड़ती है। यहां सकरी पुलिया है, साथ ही कोसानगर की ओर जाने वाले रॉन्ग साइड से आते हैं। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, साथ ही जाम के भी हालात बनते हैं। इस मामले में ट्रैफिक DSP का कहना है कि इस ढांचे को हटाने के लिए NHAI से ने दिल्ली स्थित सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है और वहां से अनुमति मिलते ही हटा दिया जाएगा। कोसानाला के पास जो टोल बना हुआ है और इसमें सर्विस लेन नहीं है, तो इसमें लगातार जो दुर्घटनाएं भी की संभावना लगातार बनी रहती है और उपयोगिता नहीं होने के कारण यहाँ पे जो रोड सीधी होनी चाहिए वो भी सीधी नहीं है। तो NH को पत्राचार भी किया गया है और NH के द्वारा जो ऊपर दिल्ली में भी एक पत्राचार किया गया है और इसके लिए बजट का भी प्रावधान लिया गया है कि इस टोल प्लाजा को जो रोड है उसको सीधा किया जाए और सर्विस लेन का निर्माण किया जाए। और टोल क्योंकि आगे 7 किलोमीटर में बापना टोल भी है तो इसका कोई अभी इसका औचित्य नहीं है, तो इसको डिसमेंटल करके रोड को सीधा किया जाएगा, सर्विस लेन बनाया जाएगा। विगत 5 सालों से जो है टोल प्लाजा जो है पूर्ण रूप से बंद है, जो अवैध था शासन ने बंद कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ पे स्थित है, जिसके कारण जो है काफ़ी दुर्घटनाएँ जो है आए दिन हो रहा है, जिससे जान माल की काफ़ी नुकसान हो रही है। तो मैं शासन से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस टोल प्लाजा के जो बचे हुए स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से हटा के जो है उसको क्लियर किया जाए।